हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 नंबर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट का टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हमें समझना है कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 8, 2, 4, 3। अभी नंबर कैसे बना है? 8000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3, तो ये जोड़कर बनता है 8243। अब इसमें हम देखते हैं कि नंबर्स की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। वंस प्लेस पर क्या है? 3, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू है 3 और उसकी फेस वैल्यू भी है 3। अब टेंस प्लेस पर चलते हैं। टेंस प्लेस पर है 4, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 40, क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है और फेस वैल्यू वही रहेगी 4। हंड्रेड्स प्लेस पर है 2, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200 और फेस वैल्यू हो जाएगी 2। 8000 की प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू है 8000, जबकि फेस वैल्यू वही रहेगी 8। फेस वैल्यू उसकी प्लेस वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। दैट मीन्स फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बदल सकती है, लेकिन फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे इस एग्जाम्पल में 8000 की प्लेस पर था, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू 8000 थी। अगर मैं कोई और नंबर लेती जिसमें 800 या 10 की प्लेस पर होता, तो उसकी प्लेस वैल्यू 800 या 80 भी हो सकती थी, जबकि उसकी फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, हमेशा 8 ही रहेगी। ओके, सो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, प्लेस वैल्यू बदलती रहती है। अब हमें शुरू करना है आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया है नंबर 1309। 9 वंस प्लेस पर है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू है 9, फेस वैल्यू वही रहेगी 9। नेक्स्ट नंबर इज 0। 0 इज एट टेंस प्लेस। 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू है 0 और फेस वैल्यू भी है 0। नेक्स्ट नंबर इज 3। 3 इज एट हंड्रेड्स प्लेस। 3 हंड्रेड की प्लेस पर है, इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू होगी 300 और फेस वैल्यू रहेगी 3। 1 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू होगी 1000 और फेस वैल्यू रहेगी 1। जैसा कि मैंने कहा था, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसलिए जो नंबर है उसकी फेस वैल्यू वही रहती है। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। द नंबर गिवन टू यू इज 2473। अब इसमें हम शुरू करते हैं 3 से। 3 1 की प्लेस पर है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 3 और फेस वैल्यू भी 3। नाउ कम टू 7। 7 टेंस की प्लेस पर है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 70 और फेस वैल्यू रहेगी 7। नाउ कम टू 4। 4 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, यानी कि प्लेस वैल्यू है 400 एंड फेस वैल्यू इज 4। Now is 2, 2 multiplied by 1000 is equal to 2000, यानि कि 2 की place value है 2000 और face value है 2. Now question number 2. Question number 2 में 9 की place value है 9 और face value भी है 9. 0 की place value वो tens place पर है, फिर भी क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहता है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही कहलाएगी एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 0। नेक्स्ट इज 6। 6 100 की प्लेस पर है, इसलिए प्लेस वैल्यू इज 600 एंड फेस वैल्यू इज 6। 8 थाउजेंड्स की प्लेस पर है, इसलिए फेस वैल्यू इज 8000 एंड फेस वैल्यू इज 8। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 की प्लेस वैल्यू है 3 और फेस वैल्यू भी है 3। 6
टेंस की प्लेस पर है, इसलिए प्लेस वैल्यू इज 60, फेस वैल्यू इज 6. 1 हंड्रेड्स की प्लेस पर है, इसलिए प्लेस वैल्यू इज 100, फेस वैल्यू इज 1. 3 थाउजेंड्स की प्लेस पर है, इसलिए प्लेस वैल्यू इज 3000 एंड फेस वैल्यू इज 3. क्वेश्चन नंबर 4, 8 की प्लेस वैल्यू है 8, फेस वैल्यू भी है 8. 9 की प्लेस वैल्यू है 90, फेस वैल्यू है 9. 4 की प्लेस वैल्यू है 400, फेस वैल्यू इज 4. 6 की प्लेस वैल्यू है 6000, फेस वैल्यू इज 6. क्वेश्चन नंबर 5, 9035. 5 की प्लेस वैल्यू है 5, फेस वैल्यू भी है 5. 3 की प्लेस वैल्यू है 30, फेस वैल्यू इज 3. 0 की प्लेस वैल्यू है 0 एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 0. 9 की प्लेस वैल्यू है 9000 एंड फेस वैल्यू इज 9. क्वेश्चन नंबर 6, 4982. 2 की प्लेस वैल्यू है 2 एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 2. 8 की प्लेस वैल्यू है 80, फेस वैल्यू है 8. 9 की प्लेस वैल्यू है 900 एंड फेस वैल्यू इज 9. 4 की प्लेस वैल्यू है 4000 एंड फेस वैल्यू इज 4. क्वेश्चन नंबर 7, 8888. दैट मींस 8888. पहले 8 की प्लेस वैल्यू है 8, फेस वैल्यू इज आल्सो 8. सेकंड 8 की प्लेस वैल्यू है 80, लेकिन फेस वैल्यू वही रहेगी 8. थर्ड 8 की प्लेस वैल्यू है 800, लेकिन फेस वैल्यू वही रहेगी 8. नेक्स्ट 8 की प्लेस वैल्यू है 8000, लेकिन फेस वैल्यू इज 8. इसमें हर 8 की प्लेस वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फेस वैल्यू वही रहती है. क्वेश्चन नंबर 8, 1094. दैट मींस 1094. इसमें 4 की प्लेस वैल्यू है 4 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 4. 9 टेंस की प्लेस पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू है 90 एंड फेस वैल्यू इज 9. 0 हंड्रेड्स की प्लेस पर है, लेकिन 0 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही रहता है. सो प्लेस वैल्यू इज 0 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 0. 1 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, सो इसकी प्लेस वैल्यू है 1000 और फेस वैल्यू है 1. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2. इसका अगला टॉपिक मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूंगी. आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है. अंटिल देन, बाय.